हेलो, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा। बिग बॉस 15 यानी कि बिग बॉस ओटीटी ने लगातार जबरदस्त चर्चाएं बटोर ली है। जैसे ही सीजन शुरू हुआ है तब से इसकी चर्चाएं हर जगह देखने को मिल रही है, फिर चाहे सोशल मीडिया हो या न्यूज हो, क्योंकि जितने भी इस बार कंटेस्टेंट आए काफी दमदार कंटेस्टेंट दिख रहे हैं। क्योंकि बिग बॉस 13 के बाद लोगों की उम्मीद काफी टूट गई थी, जैसे ही बिग बॉस 14 आया था उसने इतना ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाया था, और इसी को लेकर जो फैंस थे बिग बॉस 13 के और जो भी बिग बॉस को लगातार फॉलो करते हैं उनके जो फैंस थे वो काफी ज्यादा नाराज थे इस बात से कि आखिर कब उनको एक दमदार परफॉर्मेंस देखने मिलेगी बिग बॉस के अंदर। और अब ऐसा ही देखने को मिल रहा है क्योंकि जैसे ही बिग बॉस से शुरू हुआ है, हालांकि होस्ट की बात करें तो होस्ट करण जौहर कर रहे हैं, उतना सलमान खान वाला दमदार रूप नहीं है, लेकिन फिर भी करण जौहर अपना 100 दे रहे हैं होस्टिंग में बिग बॉस की, क्योंकि अब तक बिग बॉस के जितने भी फैंस हैं उनको आदत पड़ी हुई है सलमान खान के होस्ट की, तो वो भी आपको जल्द ही नजर आएंगे स्क्रीन पे। लेकिन अभी तक अगर ओटीटी की बात है तो करण जौहर उसको होस्ट कर रहे हैं शो को, और काफी मजेदार आ रहा है। अगर सिर्फ होस्टिंग को अलग रखें तो शो काफी मजेदार चल रहा है, क्योंकि अंदर के जो लोग जितने भी लोग हैं इस बार सारे ही मजेदार लोग आए हैं, क्योंकि ऐसा सिर्फ बिग बॉस 13 में देखने को मिला था या फिर उससे पहले किसी सीजन में देखने को मिला था कि जब हर कंटेस्टेंट इतना दमदार हो और हर कंटेस्टेंट लगातार चर्चाओं में बना हुआ हो। वही आपको बता दें कि वैसे तो हर एपिसोड से ही, क्योंकि लाइव भी चल रहा है बिग बॉस ओटीटी पे, अगर आप लॉग इन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बिग बॉस ओटीटी एवरीथिंग लाइव है, इसमें कुछ भी कट छट नहीं है, कोई भी गाली बकते हैं तो वो भी सामने सुनाई देती है, कुछ भी क्रिस्पी होती है जो हर बार बिग बॉस में आपको कट छट के एक घंटे का एपिसोड दिखता था वो अब नहीं है, वो पूरी तरह से आपको हर सेलिब्रिटी की एक्टिविटी पर देखने को मिलेगा। वही बात करें अगर सिर्फ किसी जोड़ी की तो हर बार कुछ ना कोई जोड़ी बनती है शो के अंदर, और इस बार भी एक जोड़ी धीरे धीरे फॉर्म होती दिखाई दे रही है। वही बात करें शिल्पा शेट्टी की सिस्टर शमिता शेट्टी की, तो उन्होंने भी अपना दमदार रूप दिखाना शुरू कर दिया है, और स्टार्टिंग से ही जो उनकी भूमिका है वो थोड़ी सी विनर वाले तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि काफी स्ट्रांग कंटेंडर है, काफी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। वही बात की जाए कपल की, अगर कोई कपल या जोड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है तो उनके साथ राकेश हैं, और राकेश के साथ उनकी जोड़ी काफी जच रही है, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा फैंस कह रहे हैं, और जो घर के इनसाइड मेंबर्स हैं, जो उनके साथ रहने वाले मेंबर्स हैं वो भी ये चीज कह रहे हैं, जो बाकी कंटेस्टेंट हैं, कि दरअसल जो बाकी के लोग हैं वो उनको छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं, राकेश और शमिता शेट्टी को एक कपल के रूप में देखना चाहते हैं। कुछ ने तो इतना तक कह दिया है कि वो चाहते हैं कि शमिता और राकेश घर में ही शादी कर लें, क्योंकि उनके पास अच्छी ड्रेसेस है घर में ही पहनने को। लेकिन राकेश और जैसे ही शमिता शेट्टी के बीच में ये फ्लिंग और जो अफेयर वाली खबरें जो आ रही है बाहर वो काफी एक्साइटेड कर रही हैं फैंस को, और फैंस काफी देखना चाह रहे हैं कि एज ए जोड़ी क्या कमाल करती है, और दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो भी लोगों को काफी क्रिस्पी और थोड़ी सी मजेदार नोकझोंक वाली केमिस्ट्री है वो भी काफी पसंद आ रही है फैंस को। यार देखना होगा कि आगे जाके ये जोड़ी वाकई एज अ जोड़ी एज अ कपल नजर आते हैं या नहीं, और कोई जोड़ी जो कि देखने की बात है। और ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि दिव्या अग्रवाल भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दिख रही है, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है कि जहां बिग बॉस और पूरे घरवाले जब एक किसी कंटेस्टेंट को टारगेट बनाते हैं तो कंटेस्टेंट काफी आगे तक जाता है या यूं कहे विनर भी बन जाता है, और ऐसा इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते करण जौहर ने दिव्या अग्रवाल को काफी ज्यादा बुरी तरह से झाड़ा था इस चीज को लेकर, क्योंकि उनकी जो साउथ से एक्ट्रेस आई है अक्षरा उनको लेकर उनके बीच में काफी क्लैशेस हो गए थे, और करण ने साफ तौर पर कह दिया था कि आप सिर्फ MTV शो करके आई हैं या फिर और कुछ छोटे मोटे शोज करके आई हैं तो आप उन लोगों से नहीं लड़ सकती हैं या उन लोगों पर तोहमत नहीं लगा सकती हैं जो ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जो काफी ऑलरेडी पॉपुलर हैं, और इसी को लेकर करण जौहर ने दिव्या अग्रवाल को जबरदस्त झाड़ा था। वहीं दिव्या अग्रवाल भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इसलिए भी लग रही हैं क्योंकि पिछले हफ्ते जहां सिडनाज ने एंट्री ली थी शो के अंदर, जहां सिडनाज एज ए कपल बन के आए थे, उन्होंने टास्क भी कराया था फैन से, तब भी देखने को मिला था कि दिव्या अग्रवाल के अगेंस्ट में ही काफी सारे वोट्स देखे गए थे, और इसी को देखकर जो फैंस है वो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि दिव्या अग्रवाल एज ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर उभर सकती हैं शो के एंड तक। वहीं शमिता शेट्टी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। खैर देखना होगा कि आने वाले समय में, क्योंकि बिग बॉस काफी ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ है, कब कुछ हो जाए पता नहीं चलता, शो के एंड होते होते कौन सी जोड़ी बनती है और कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में उभर कर आते हैं, कौन स्ट्रॉन्ग अपनी अपनी जो पर्सनैलिटीज है उनको बाहर दिखाते हैं, ये भी देखना होगा। खैर आप हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड से जुड़ी सारी खबरें हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।